तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। एंड बिना कोई टाइम गवाए अपन अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले पंक के बारे में। तो पंक जब लाइव थे तो वो बात कर रहे थे अभी जो टूटू ऐप चल रहे उसके बारे में। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग अभी से T1 प्लेस भी से बहुत सारे है जो ट्राई कर रहे पंक को एक्सपोज कर रहे, मतलब वो बहुत ट्राई हार्ड कर रहे, मतलब जल रहे पंक से बेसिकली। अपना पंक कैसे कहना था, वो ट्राई कर रहे कि वो पंक को एक्सपोज करें जैसे उनको कोई एविडेंस मिले उनका। एंड इसी के साथ साथ जो पंक है उन्होंने बात की जो बेस्ट गन पावर वाली टीम अभी कम्युनिटी में उसके बारे में रिप्लाई देते। उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। पंग ब्रो, डू यूज टू टू या ब्रो? हमारे चाहने वाले हैं, कोई ज़्यादा ही चाहने वाले बंदे हैं, हालांकि उसमें T1 प्लेयर भी है कुछ और पब्लिक तो है ही। वो चाहते हैं कि पंग एक्सपोज हो जाए। पंग का तो हमें हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ये वो करके। मैंने बहुत सुना है एक दो बंदे से, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मेरे को आगे बताया कि कुछ बंदे चाहते हैं कि मेरे बारे में थोड़ा भी प्रूफ मिल जाए और पंग के एल लगा दे ये वो करके। तभी तो मैं बोल रहा ना भाई, कम्युनिटी बहुत जलती है ब्रो। तुम लोग अपना बेस्ट देते रहो और करते जाओ भाई, इन सबके मुंह मत लगना। बहुत सी भरे पड़े कम्युनिटी में, कोई चाहता नहीं तुम आगे बढ़ो। पंग एक्सपोज्ड, पंग ने खुद बोला टूटू। ओ माय बैड ब्रो। टॉप 3 टीम आपके हिसाब से गन पावर? वैसा अच्छा, गन पावर के हिसाब से टॉप 3 तो यार सोल जी और कौन सी है, और भी बहुत है भाई। आजकल मैं बता दे रहा हूँ, ड्राइवर मेटा जिसको ओपनिंग मिल गई वो खोल देता है ब्लाइंड मार लो। एंड नेक्स्ट में बात करें तब सिड भाई, गोल्डी भाई एंड सोल के बारे में। तो जिनको भी नहीं पता उनको बता दूं कि बेसिकली एक दो दिन पहले जब सिड भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि जो भी सोल के सपोर्टर्स है जो सोल को सपोर्ट करने आने वाले लैंड के ऊपर, वो बेसिकली ब्लू कलर के कपड़े पहनो ताकि आप एक मतलब यूनाइटेड फैंस लगो, मतलब समझ आए कि आप सोल फैंस हो। तो इसी में बहुत लोग बोल रहे थे कि जो सोल की जर्सी हो लॉन्च करो SATL स्टोर पे। एंड गोल्डी भाई ने इसी के रिगार्डिंग एक ट्वीट करा था जहाँ पर उन्होंने बेसिकली लिखा था, I hear the jersey request, but launching the journey before the event and getting it shipped and delivered to you all seems very difficult right now. Please don't take me wrong, but don't want you guys to keep hanging. But since you all want it, we will get it done ASAP on the store. नेपन का कहना था कि लैन जैसे कि हमको पता है 10 दिन में भी लैन आने वाला, तो 10 दिन के अंदर उसको वेबसाइट पर डालना फिर उसको शिप करवाना डिलीवर करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो स्टोर पर आ जाए सोल की जर्सी। एंड इस पर को क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो स्काउट जब लाइव आए थे तो बात करते कैमिन स्पोर्ट्स ने जो ट्रोल करता था TX को उसके बारे में, इसी के साथ साथ मावी के साथ उनके रिलेशन कैसे, मावी के जो मैटर हुआ था बीच में इसके बारे में स्काउट बात कर रहे थे। एंड उनका रिप्लाई भी आप देख लो। CS ट्रोल टीम भाई, ये ट्रोल वोल का किसको क्या बोल दिया, हम लोग अभी ये चुतियापा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, अभी इनको वहां पहुंचना है। हम एक मेरे को बहुत सिंपल सी बोलता हूं, आप स्कूल में जब बड़े होते जाते हो छोटे बच्चे ऐसे से नाक में ऐसे करते हैं हैंड से ऐसे चिढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है फिर बच्चा बस वो वाले स्टेज पर पहुंचा। हम बड़े हो चुके हैं यार उससे, वैसे छोटे अभी इन लोग धीरे धीरे बड़े होंगे, इनको लेवल अगर नसीब रहा तो अचीव होगा, गुड लक टू देम भाई। बहुत सिंपल है यार, हम बड़े हो चुके हैं यार वो सब चीज़ों से। हम कहाँ भाई क्लबों में जा रहे हैं, कहाँ इंटरनेशनल कोलैब्स कर रहे हैं, और कहाँ ये सब ट्रोल रोल, ये हो गया एक गेम के अंदर मर रहे हैं लड़ रहे हैं। आगे बढ़ चुके हैं भाई, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन चीज़ों से, अब इसका वर्थ नहीं है। 6 महीने पहले तुम जानते थे, मेरे को तो पता नहीं था कि CS में टीम कौन से प्लेयर्स थे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट CS के प्लेयर्स का नाम मेरे को आज भी नहीं पता है, क्योंकि मैं ईस्पोर्ट्स अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। लास्ट CS जो मुझे याद था वो थी डेस्ट्रो की लाइनअप, जो ग्लाइडर्स और अभी गॉड्स एंड मेन भी, दैट्स इट ब्रो। ऑन अ जेन्युइन नोट मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। आप खेलो स्पोर्ट्स, मजे करो, तरक्की लो, बढ़िया चीज़ है। मैंने मावी को लोग बोल रहे थे कुछ झगड़ा हो गया मेरे भाई, हर चीज़ स्ट्रीम पे दिखाने की जरूरत नहीं होती। मैं 100 बार बोला हूँ, अगर ऐसा है तो भाई आप रिसेंटली पैदा हुआ लगता है ऑनलाइन के इरा में, जहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन दिखाया जाता है। या हम लोग की अच्छा, हम लोग क्या कुछ एक दूसरे का अच्छा रहता है, हम लोग एक दूसरे को विश कर देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, हो जाता है। बस स्केड्यूल भी अलग है, कभी अगर हम लोग का स्केड्यूल मैच करेगा तो हम स्ट्रीम भी कर लेंगे साथ में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ब्रो, इट्स नॉट अ बिग डील। हर छोटी चीज़ से एक बड़ा सा ये बनाने का मत ट्राई करो। एंड नेक्स्ट हम बात लेते हैं हस्टर के बारे में। तो हस्टर जब लाइव थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि आप कोई अंडरडॉग का टीम बना रहे हो क्या, तो इस चीज़ का रिप्लाई करा था उन्होंने। एंड रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर।
अंडरडॉग्स प्लेयर्स के साथ। ठीक है समझ गया मैं। गोपाल भाई अपनी एक और बनाओ। नहीं ब्रो पता तेरे को, बीच में मेरे को एक मौका मिला था अंडरडॉग टीम्स के साथ एक लाइनअप बनाने का, बट मैंने सीधा सीधा मना कर दिया क्योंकि मेरे को पता है बहुत ज़्यादा वो डर लगने लगता है आज के टाइम पे कि अंडरडॉग प्लेयर्स है ना भाई बहुत खतरनाक हैक सिस्टम लेकर आते हैं, फिर बाद में आपका नाम बदनाम होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं करते हैं इससे अच्छा। चलो गाइस BGMI में चलते हैं अभी खेलने के लिए। BGMI खेलेंगे अपन अभी। तो मेरे को बहुत डर लगता है भाई अंडरडॉग प्लेयर से कि भाई कल को वो हैक वैक करके नाम वाम की माँ बहने कर दे। वैसे ही बहुत खराब रखा है मेरा नाम के बाद में, और अभी हैक वैक करके चालू कर दिया ना प्लेयर्स ने जो अपने नाम लेके अंडर में खेलेंगे, ये तो धजिया उड़ जाएगी ब्रो। और पता है मेंटालिटी क्या रहती है ऑडियंस की, मेंटालिटी ऐसे भी वर्क करती है दैट ऑलरेडी इमेज खराब हो रखा होता है तो उसमें फिर बाद में अगर कल को प्लेयर्स अच्छा खेल दिया या कुछ भी हो गया और फिर बाद में किसी ने भी एलिगेशन लगा दिए भाई इसकी टीम तो पक्का हैक कर रही होगी, तो पता है लोग पता क्या बोलेंगे कि भाई उसका तो बंदा ही, उसका नाम ही देखो ना यार, टीम हंसता रहे भाई, बंदा ही हंसता रहे, वो करवा सकता है, पहले से उसका नाम खराब है, वो हो सकता है वो करवा दे चीटिंग वीटिंग ऐसा वैसा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सटन के बारे में। तो मैक्सटन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था SATL एंड BGMI के रिगार्डिंग। बेसिकली उन्होंने से बताया था कि जिस दिन SATL BGMI खेलना बंद कर देगी उस दिन जो गेम है वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था सो बेसिकली ओनली वन ऑर्क फैन बेस हैव केप्ट द गेम अलाइव एज ऑफ नाउ, एंड ये उनका ट्वीट था। इसके बाद नीचे उनको बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे थे, बहुत सारे उनके क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड यहाँ पर उन्होंने लिखा था पर तू तो गॉडलाइक के लिए काम करता था ना, एक बंदे ने वैसे उनको पूछा था, तो उसका रिप्लाई करते उन्होंने लिखा था सो वॉट। फिर एक बंदे ने बोला था कि जो SATL के क्रिएटर्स से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इस चीज़ का मैक्सटन ने रिप्लाई करा था क्रिएटर से ज़्यादा थक का दिमाग लगा हुआ है, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर एवरेज और अबव एवरेज ओनली वैन कम्पेयर टू द अदर यूट्यूब क्रिएटर्स, बट द वे थक यूज हिज ब्रेन टू कनेक्ट विद द ऑडियंस ईच क्रिएटर हु इज गुड एट मेकिंग कॉन्टेंट गेंड अ सीरियस फैन बेस। नहीं पर उनका बेसिकली कहना ये था कि जो SATL क्रिएटर्स वो एवरेज है, कुछ कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी जो अबव एवरेज है, लेकिन थक ने जिस तरह उनका यूज करा, थक ने जिस तरह से अपना दिमाग लगाया उस वजह से जो SATL आज इतना सक्सेसफुल है। एंड एक बंदे ने उनको बोला था कि जो लॉल्स की वॉचिंग है वो सारे स्ट्रीमर से ज़्यादा आती है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि एक और पे मतलब गेम चल रहा है। तो उसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा था आई हैव नो बिजनेस टू कमेंट अबाउट गॉडलाइक और एनी गॉडलाइक क्रिएटर्स एज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट, प्लस लॉल्स इज वन ऑफ द गुड गाइस इन द रियल लाइफ। एंड बेसिकली यही पूरा उनका रिप्लाई था SATL BGMI एंड गॉडल से रिलेटेड। इस पर आपका क्या कहना है, आप कितने सहमत हो मैक्सटन के ओपिनियन से आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नियो के बारे में। जो एक सोल के साथ उनकी राइवलरी थी, ओमेगा वाली लाइनअप के साथ उनकी जो राइवलरी थी उसके बारे में वो बात कर रहे थे। एंड रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। बेस्ट राइवलरी मेरे को तो लग रहा है अभी तक, मतलब मेरे को क्या लगता है पता है, सबसे आइकॉनिक राइवलरी अब तक PSM वर्सेस सोल भी नहीं हुआ जितना सबसे आइकॉनिक। क्या बोलते हो मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट ये लगता है कि जब से ओमेगा लोग सोल में गए ना तब से जो मतलब अलग राइवल हुई है। और आप सब्सक्राइब का बटन दे दो, क्या बोलते हो उस पे मेहनत करिए और जल्दी जल्दी सबसे यही थी बराबर है ना। बिल्कुल देखिए ऑलरेडी आप लोग के लिए काफी कुछ चल रहा है, रॉयल पास गिवअवेज भी चल रहे हैं 50,000। अब वो फील नहीं रहा ये राइवलरी में क्योंकि नाम चेंज हो गया, बट रॉयल पास दी जाएंगे गाइस मेक श्योर 50,000 जल्दी से करा लीजिए। और वो हाइप तीन दिन बचे बट अभी के लिए बैक टू द पॉइंट, हाइप था पर हम बात करेंगे हिस्ट्री का, आज तक की हिस्ट्री का लिख के देता हूं, लिख के स्टैंप पेपर पे लिख के आज तक की हिस्ट्री का सबसे गोटे टूर्नामेंट, सबसे गोटे टूर्नामेंट मतलब उससे एपिक टूर्नामेंट आज तक ना BGMI में हुआ है ना PUBG में हुआ है, मतलब BGMS जो पहला वाला था जो जिसमें हम लोग सेकंड आए थे और वो इधर स्ट्रीम हुआ था टीवी पे भाई, फाइनल्स का पहला मैच गॉडलाइक का सोल टॉप 3 जिसमें पहला 1v3 गॉब्लिन ने किया और इंस्टेंट गॉड ने 1v3 किया, पहले दो वीक्स सोल टॉप पे और हम 16th पे क्वालीफाई, लास्ट वीक सोल क्वालीफाई नहीं हुई थर्ड वीक के लिए और हम सेकंड है, फाइनल्स के स्टार्टिंग में लास्ट मैच तक नेक टू नेक कि कौन जीतेगा हम में से, और दोनों में से कोई नहीं जीता और ग्लोबल स्पोर्ट जीती अभी तक के। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो हेक्टर से पूछा गया था कि जो मैक है अभी गॉडल में है या नहीं, एंड इसी के साथ साथ क्या आप सोल को रिजॉइन कर सकते हो क्या, तो इसका रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। उजू मां से पूछ लो मैक का क्या सीन है, अरे उजू तुम लोग मैक को ड्राइवर ले रहे क्या? नहीं लोग पूछ रहे थे मैं कभी भी गॉडल में ही है शायद जितना पता है। हाँ, लेकिन फ्री एजेंट उसको पहले से ESL के लिए लिए थे ना, बस वो क्लियर था। इफ यू हैव अ चांस टू गो बैक टू सोल विल यू गो? ब्रो मेरे पे पहले भी चांस था एंड में जब छोड़ा तब भी चांस था, बट मेरा सिंपल फंडा था जो टीम ने मेरे को बनाई है, मतलब यही टीम के साथ मैं बना था, फेमस हुआ था, नाम आया था, ट्रॉफी जीती थी, यही टीम का मैं स्टिक करना चाहूँगा टिल द एंड। हम जब तक टूटते नहीं हम यही है साथ में, मैं कहीं नहीं जाने वाला इनको छोड़ के। हम कौन सा ऑर्क से थोड़ी खराब रिलेशन करके आए यार, वो तो है ही यार, ऑर्क का कोई सीन नहीं है, वो अच्छा ही है, बट ठीक है अब जो हुआ वो हुआ,
अभी तो जो गॉडसन है उन्होंने वापस एक हल्का सा बैंटर करा है एंड यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आप अपनी फेवरेट टीम के एलिमिनेशन से डिस्ट्रैक्ट मत हो और ये फैक्ट मत भूलो कि जो बेस्ट ई स्पोर्ट्स मर्च है वो बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पर वो बेसिकली मर्च लॉन्च के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी उन्होंने बैंटर कर दिया है। एंड अपने आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।